नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपका मोहित टेक्निकल साइट में। आज मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो आपके NIS के जो एग्जाम्स होने वाले थे जून और जुलाई में, शायद वो कैंसिल हो सकते हैं या फिर शायद कोई इन्फॉर्मेशन जो भी मेरे पास आई है मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। जो गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिस निकल कर आया है कि जो सभी स्कूल्स और कॉलेजेस हैं वो क्लोज कर दिए गए हैं, जो एग्जाम्स चल रहे थे स्कूल और कॉलेजेस के वो भी कैंसिल कर दिए गए हैं, सस्पेंड कर दिए गए हैं जब तक कोई फर्दर ऑर्डर नहीं आ जाता। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपसे आज इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा और कुछ नोटिस जो भी आए हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक ज़रूर से कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर से करें अपने दोस्तों के साथ जो भी NIS का एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि जो आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं आपके जून में और जुलाई में जो होने वाले थे NIS की तरफ से वो शायद कैंसिल हो सकते हैं और शायद से जैसे पिछले साल हुआ था वैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है बिना कोई एग्ज़ाम्स दिए, असाइनमेंट बेसिस पे। तो दोस्तों जो भी नोटिस निकल कर आया गवर्नमेंट की तरफ से वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि उसमें लिखा हुआ है आपके जो एग्ज़ाम्स हैं जो फर्दर ऑर्डर के लिए वो कैंसिल कर दिए गए हैं, जो स्कूल और कॉलेजेस हैं वो बंद कर दिए गए हैं क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो काफ़ी बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये आप देख सकते हैं दिल्ली सरकार की तरफ से नोटिस आया हुआ है और ये नोटिस जो है अभी 9 तारीख को ही रिलीज़ हुआ है। इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो आपके एग्ज़ाम्स हैं और जो आपके स्कूल और कॉलेजेस में जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी कैंसिल कर दी गई हैं। ये आप देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ, डिसकंटिन्यूस ऑफ ऑल एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन एक्टिविटीज़ ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 9 to 12 थ्रू फिजिकल मोड। ये आपके मतलब डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, आपके अभी सस्पेंड कर दिए गए हैं कुछ टाइम के लिए जब तक फर्दर नोटिस नहीं आ जाता सरकार का, गवर्नमेंट का। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी गई है वहाँ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं जो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लिखी गई है। इसमें लिखा गया है जैसे कि सडन राइज होने की वजह से जो COVID-19 के केसेस हैं दिल्ली में उसकी वजह से ये सारे फैसला लिया गया है। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में भी ये सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं, मध्य प्रदेश में भी जो भी स्कूल कॉलेजेस हैं सब बंद हो चुके हैं। तो इससे रिगार्डिंग सिर्फ यही पता चलता है कि शायद से आपके एग्जाम्स जो है कैंसिल हो सकते हैं और शायद से आपके जो ऑनलाइन एग्जाम्स की जो डिमांड है वो शायद हो सकती है, ऑनलाइन एग्जाम्स किए जा सकते हैं और साथ में जो है इस बार एग्जाम्स भी ना लिए जाएं और साथ में आपको सिर्फ पास कर दिया जाए जैसे पिछले साल हुआ था, सिर्फ असाइनमेंट्स के बेसिस पे आपके एकेडमिक सेशंस के बेसिस पे आपको मार्क्स मिल गए थे, आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया गया था। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर से कर देना और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जो भी NIS की तरफ से अपडेट्स आती है, NIS की तरफ से लेटेस्ट न्यूज़ आती है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूँ। NIS की तरफ से जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती रहती है तो इससे रिगार्डिंग आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी आने वाली एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करता रहूँगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।